तुम आखिर क्यों दिया रे? ए महाराज, महारानी जी बोले नमस्ते महारानी जी। अच्छा अच्छा, आपको बोले ना नमस्ते स्वामी जी। हाँ, टुकुर टुकुर ताकर बकवास। चलो सर। महारानी जी, स्वामी जी बताओ, आज बहुत ही खुश दिखाई दे रही हो। आप नहीं जानते हैं क्या? नहीं तो आज बहुत शुभ दिन है। शुभ दिन जी स्वामी। शुभ दिन मतलब ना समझ लो की नहीं रे। अब देखो, शुभ दिन सोमवार। अच्छा, शुभ दिन सुहाग रात। आज तोरा सुहाग रात से काम। चल बिजो महारानी जी। स्वामी जी, आज मैं आपको इसलिए बुलाई हूँ, आपके हवेली में मैं नई नवेली आई हूँ। आई हो? और आज चली मेरे साथ आप सुहाग रात मनाने के लिए, अरे अंचल खबर करने के लिए। परंतु महारानी, शादी से पहले मैंने प्रतिज्ञा किया था। कैसा प्रतिज्ञा? कौन सा प्रतिज्ञा की बात करती हैं? मैं जब दूसरा शादी करके इस महल में लाऊंगा, उनसे पहले मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, और शिकार खेल कर जब वापस आऊंगा तभी मैं आंचल कोहवर बनाऊंगा। नहीं स्वामी जी, कम से कम आज भर रुक जाइए ना। नहीं महाराज, कल चले जाइएगा शिकार खेलने के लिए। नहीं ए महाराज, महारानी जी ना जा, महारानी जी ना जा, महारानी जी के अनहरी हम ना जा, अनहरी हम टिप दियो। जो भी बात बोलना है साफ साफ बोलो, ना टिपो। महारानी जी, स्वामी जी, बस आज हर की बात है, शिकार खेल कर जब वापस आऊंगा तो मैं अवश्य सुहाग रात मनाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, चाहिए, लेकिन कितने दिन में आइएगा? अरे महारानी, जाने में विलम्ब होगा, जाने में कोई विलम्ब नहीं होगा मुझे। ठीक है मंत्री जी, महाराज का नाम लीजिए तो। महारानी जी, सीना लगिए, सीना 32, सीना से नीचे धोरी तक 36, अरे धोरी नीचे 6। ये तो कहीं का, यही सब यही सब यही सब। ठीक है स्वामी जी, जाइए, लेकिन कितने दिन में आइएगा? बस महारानी, मुझे जाने में विलम्ब होगा, जाने में कोई विलम्ब नहीं होगा। ठीक है स्वामी जी, जाइए। हेलो, बीठना प्यारी आजा, तेरा इंतजार है आजा। आज जिस प्रकार से उत्तमपुर सीमांत पर मुझसे धोखे से सत्कार के बड़ी महारानी को बाहर कर दिया, आज मैं उसी प्रकार से महारानी के साथ झूठ बोलकर यहां से जा रहा हूं शिकार खेलने के लिए। परंतु जब तक मेरे मनोकामना पूरा नहीं होगा तब तक मैं उत्तमपुर शहर वापस नहीं आऊंगा। भैया आप चाय पिलाने के लिए ग्रीन रूम में आ जाए, चाय वाले। या जो तीना चाली Oh,
पहुंच चुका।